इस कोर्स को हमने डिवाइड किया है 15 सेक्शंस में ताकि आपको आईटी के बेसिक से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट्स तक सब कुछ सिस्टमेटिकली समझ में आसानी हो। तो चलिए एक एक सेक्शन पर नज़र डालते हैं। पहले सेक्शन में हम बेसिक्स कवर करेंगे, जैसे आईटी का मतलब क्या है, ये इतना ज़रूरी क्यों है, कंप्यूटर क्या चीज़ है और वो वर्क कैसे करता है, और आखिर में कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज यानी जीरोस एंड वन समझेंगे। सेक्शन टू, कंप्यूटर कॉम्पोनेंट्स। यहाँ हम देखेंगे कंप्यूटर के एसेंशियल पार्ट्स को, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करते हैं, नेटवर्किंग, डेटाबेस, स्टोरेज, वर्चुअलाइजेशन, क्लाउड एंड सिक्योरिटी के बेसिक्स तक। थर्ड सेक्शन, हार्डवेयर इन डेप्थ। अब हम कंप्यूटर हार्डवेयर में डीप डाइव करेंगे, कंप्यूटर के टाइप्स, रैम, सीपीयू, कोर्स एंड सॉकेट्स, 32-बिट वर्सेस 64-बिट आर्किटेक्चर का फ़र्क, हार्ड डिस्क ड्राइव्स और मदरबोर्ड का रोल, और बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोनेंट्स को डीप में समझेंगे। नेक्स्ट सेक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये सेक्शन ओएस पर फोकस करेगा, ओएस के टाइप्स, उसके फंक्शंस, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बनता है, सीएलआई और जीयूआई का फ़र्क, बूट प्रोसेस और फाइल सिस्टम्स की नॉलेज देखेंगे। नेक्स्ट सेक्शन, सॉफ्टवेयर ओवरव्यू। यहाँ हम देखेंगे सॉफ्टवेयर के टाइप्स, सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर, ओपन सोर्स, बायोस और डिफरेंट प्रोग्राम्स और सर्विसेज। नेक्स्ट सेक्शन, नेटवर्किंग बेसिक्स। नेटवर्किंग के इस सेक्शन में हम देखेंगे कि कंप्यूटर्स आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं। इसमें आईपी एड्रेसेस, टीसीपीआईपी प्रोटोकॉल्स, गेटवे, सबनेट मास्क, मैक एड्रेस, ओएसआई लेयर्स, प्रोटोकॉल्स और नेटवर्किंग डिवाइसेस तक। नेक्स्ट सेक्शन होगा डेटाबेसेस। डेटाबेस बेसिक से लेकर आरडीबीएमएस और एसक्यूएल तक सब कुछ यहाँ कवर होगा। टॉप 5 आरडीबीएमएस जो एसक्यूएल यूज़ करते हैं, इनके बेसिक्स को समझेंगे। सेक्शन 8, स्टोरेज। स्टोरेज को बिल्कुल सीधे और सिंपल टर्म्स में समझेंगे। स्टोरेज कैलकुलेशन जो कि KB, MB, GB में करते हैं, स्टोरेज के टाइप्स, रैम, स्वाप, वर्चुअल मेमोरी और कैश मेमोरी के डिफरेंसेस, हार्ड डिस्क और SSDs और RAID। सेक्शन 9, वर्चुअलाइजेशन एंड क्लाउड। वर्चुअलाइजेशन और क्लाउड का इंट्रोडक्शन होगा, वर्चुअलाइजेशन कैसे काम करता है, रिलेटेड टर्म्स और बेनिफिट्स, वर्चुअलाइजेशन और क्लाउड के डिफरेंसेस, Oracle वर्चुअल बॉक्स को सेटअप करेंगे और यूज करेंगे और इसमें वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट करेंगे। सेक्शन 10, सिक्योरिटी बेसिक्स। यहाँ हम देखेंगे सिक्योरिटी ब्रीचेस और थ्रेट्स को, होम और कंप्यूटर सिक्योरिटी का कंपैरिजन, ओएस सिक्योरिटी, सिक्योरिटी टूल्स, सर्वर सिक्योरिटी और एप्लीकेशन और डेटाबेस एनक्रिप्शन। सेक्शन 11, विंडोज मैनेजमेंट। विंडोज़ के वर्जन्स देखेंगे इसमें, विंडोज़ इंस्टॉलेशन, सिस्टम एक्सेस, फाइल सिस्टम, यूज़र अकाउंट मैनेजमेंट, रिसोर्स मॉनिटरिंग, इवेंट लॉग्स, सर्वर मैनेजर, सिस्टम हार्डवेयर चेक, रोल्स एंड फीचर्स और एक्टिव डायरेक्टरी और डोमेन कंट्रोलर। सेक्शन 12, लिनक्स ओएस मैनेजमेंट। जैसे हमने विंडोज़ मैनेजमेंट पढ़ा था, इसमें हम देखने वाले लिनक्स का मैनेजमेंट, जैसे कि लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस और उसमें से कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन को हम इंस्टॉल करेंगे और मैनेज करेंगे, रूटी क्लाइंट इंस्टॉल करेंगे, लिनक्स का फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर देखेंगे, नेविगेशन, डायरेक्टरी और फाइल मैनेजमेंट और सिस्टम यूटिलिटी और मॉनिटरिंग कमांड्स। सेक्शन 13, ट्रबल शूटिंग। इश्यूज़ को सॉल्व करना भी सीखना ज़रूरी है, तो पॉलिसीज और स्टैंडर्ड्स फॉलो करना, डॉक्यूमेंटेशन और टिकेटिंग प्रोसेस को इस सेक्शन में हम समझेंगे। सेक्शन 14, इंट्रोडक्शन टू AI। AI का बेसिक इंट्रो होगा, उसकी हिस्ट्री, फीचर्स, बेनिफिट्स, लिमिटेशंस और हाँ, ChatGPT भी। सेक्शन 15, इंट्रोडक्शन टू DevOps। और लास्ट में DevOps की दुनिया में जंप करेंगे, DevOps क्या है, उसकी हिस्ट्री, DevOps के आने से पहले क्या चैलेंजेस थे और DevOps की इम्पोर्टेंस और बेनिफिट्स पर एक नज़र डालेंगे। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं और IT के एक्साइटिंग वर्ल्ड में आपका इंतज़ार कर रहे हैं बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स और स्किल्स।